तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी हम जा रहे हैं बहुत दूर, यानी किशनगंज जा रहे हैं। बहुत दूर क्या, अपना जिला जा रहा है किशनगंज टाउन, ठीक है, ज़रूरी काम से। और आप लोग बोल रहे थे कि आप जो इतना जो क्या कहते हैं कि हल्दी हल्दी जो कर रहे हैं, यानी टर्मरिक हल्दी, तो सच में मैं जो हूँ ना, खुद अपने हाथ से हल्दी को खोदा हूँ, ठीक है, खोद करके ये सब जो है ना पूरा उबाल करके सुखा करके उसके बाद जो है ना जाएगा पैकार के पास, यानी गोदाम, वहाँ से हम लोग का जो हल्दी एक जगह नहीं पूरा ऑल इंडिया खाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि फॉरेन कंट्री तक हम लोग का हल्दी जाता है, किशनगंज सीमांचल का हल्दी, और मैं खुद उपजाता हूँ, देख सकते हैं। आ जाओ तो कैमरा मैन दिखाते हैं उसको एक नज़र। तो हेलो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं कि ये जो हल्दी देख रहे हैं ना, हल्दी ये जो हल्दी देख रहे हैं, ये खुद हम अपने हाथों से इसको खोदे हैं, ठीक है। मजदूर लिए थे और भी हल्दी सब है, तो वो सबको जो है ना सूखने के लिए दे दिए हैं, छत में दे दिए हैं सूखने के लिए, ठीक है, वो सब सूख जाएगा, उसके बाद ये सब जो है ना उबाल करके सूखने के लिए ये सब देंगे, फिर सूखने के बाद सारा को जो है ना बढ़िया से एकदम तौल करके उसके बाद पैकार के पास भेजेंगे, बेच देंगे, यानी अपना सामान को बेच देंगे, उसके बाद मिल में जाएगा, नहीं मालूम कहाँ कहाँ जाएगा, कौन सा कंपनी में जाएगा, और कितना आयुर्वेदिक दवाई से लेकर के खाने पीने का सामान बहुत सारा चीज़ बनता है इस हल्दी से, ठीक है। यही हल्दी जो है ना हम खुद अपने हाथों से उपजाते हैं, तो इसी तरह का देसी एंड अनेक यानी अनेक नेचुरल चीज़ को जो है ना हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में अगर YouTube चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो MD हितेश्याम रेजा को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।